नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और आप देख रहे हैं द चेतक का कोविड-19 दैनिक बुलेटिन। दोस्तों, भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो चिंता का विषय है। अगर स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों की बात करें तो अभी तक भारत में कोविड-19 के कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 20,27,074 है, जिसमें से एक्टिव मरीजों की संख्या 6,07,384 है। अभी तक 13,78,105 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। सुधार की दर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वर्तमान में यह दर बढ़कर 68% से भी ज़्यादा हो गई है। भारत में कोविड-19 से मरने वाले मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। वर्तमान में मृत्यु दर 2.05% है। कोविड-19 से भारत में अभी तक 41,585 लोगों की मृत्यु हुई है। भारत में कोविड-19 की अब तक हुई कुल जांच की अगर बात करें तो ICMR के अनुसार अभी तक 2,27,88,393 लोगों की जांच की गई है। हर दिन लगभग 6,00,000 से ज़्यादा टेस्ट किया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में ही 6,39,042 लोगों की जांच की गई है। देश में अभी 1,370 परीक्षण प्रयोगशाला कार्य कर रही है और इसमें लगातार बढ़ोतरी भी की जा रही है। देश में रियल टाइम RT-PCR बेस्ट टेस्टिंग प्रयोगशाला की कुल संख्या 698 है। देश में ट्रूनेट बेस्ट टेस्टिंग प्रयोगशालाओं की कुल संख्या 563 है। देश में CBNAAT बेस्ट टेस्टिंग प्रयोगशालाओं की कुल संख्या 109 है। आप देख रहे थे द चेतक का कोविड-19 बुलेटिन। ऐसे ही देश दुनिया की अन्य खबरों को देखने के लिए thechetak.com पर जाएं। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।